तो देखो जिंदगी में जैसे भी अल्लाह ने आपको बनाया है ना, अपनी जिंदगी को इंजॉय करो, जिंदगी को हंस के एक्सेप्ट करो। जिंदगी में ये चीज नहीं है, ना शुक्री नहीं करना चाहिए कभी भी, बिल्कुल जैसे भी हालात हैं। और आप खुद अपने आप को कमजोर समझोगे तो लोग आपको कैसे मजबूत समझेंगे। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे जो है ये सब पूरा इंतजाम करके रखा है, पूरा सेटअप किया हुआ है। तो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आप सबको दिखाने वाले हैं कि आईफोन 7 को हम चार्जिंग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सर थकता हूँ कभी कभी क्योंकि रीढ़ की जो हड्डी है मेरी वो भी खराब है पूरी तरह से। ओके। जो मतलब बोलते हैं सर मुझे काम सिखा दो, जी जी, तो जी, उनको मैं फ्री में अपने पास रखता हूँ, पैसे भी नहीं लेता हूँ क्योंकि उससे मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाती है। तो गाइस आज की वीडियो रहने वाली है, मुंबई से रहने वाली है। आज देख रहे हैं मैं आपको लेकर आया हूँ सोनू मोबाइल टेलीकॉम पर। ये भाई किस तरह से काम करने वाले हैं, चलिए मैं इनकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, फिर कभी मौका मिलेगा तो पूरी डिटेली वाइज वीडियो बनाएंगे। बाकी सबसे पहले तो मैं इनके सेटअप वाली बात है तो मैं इनका सेटअप दिखा देता हूँ, और सेटअप दिखाने से पहले मैं हाय हेलो करा देता हूँ सर से। तो सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोनू खान है। और आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर। आपकी शॉप किधर पड़ती है ये? सर ये मेरी शॉप है मुंबई थाने कलवा। ओके। कलवा भास्कर नगर। तो आप क्या क्या काम करते हैं यहाँ पर? सर यहाँ पे मैं ऑल रिपेयरिंग करता हूँ, जैसे कि आईफोन और एंड्रॉइड। ओके। इस टाइप के फोन को रिपेयर करता हूँ मैं। बिल्कुल। तो सर मैंने आपका इंस्टा पे पेज भी देखा है, और पेज के साथ साथ मैंने फेसबुक पे भी आपका पेज देखा है। उसके अंदर मैं देखता हूँ आप वीडियो भी बनाते हैं और वीडियो बनाने के बाद अपलोड भी करते हैं, तो वो कैसे करते हैं सर? सर वो मैं जब अकेले होता हूँ तो मैं खुद से करता हूँ। ओके। बाकी टाइम पे मेरे दो भाई हैं, वो लोग करते हैं जी। बाकी वीडियो एडिटिंग वगैरह सब कुछ मैं ही करता हूँ। कंफर्म सर? यस यस। शो कर सकते हैं हमें? बिल्कुल श्योर। तो चलिए गाइज आज चलते हैं अंदर, और अंदर चलने के बाद सर से तो इंट्रोडक्शन मैंने करा ही दिया है, और बाकी इस शॉप के अंदर क्या क्या यहाँ पर ये सेटअप वगैरह है वो सारी की सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर बात है सर की, तो देखो भाई इंस्टा की तरफ से इनको अवार्ड भी मिला है, और दूसरी बात यह है कि सर हमारे सामने जो कि आज हमें लाइव कुछ मतलब वीडियो शूट करके दिखाने वाले हैं और लाइव एडिटिंग करके दिखाने वाले हैं। ठीक है सर, कीजिए। देखिए सर ये मेरे पास मेरा फोन है। ओके। अब इसमें मैं कैमरा ऑन करता हूँ। ओके। हाँ जी। और यहाँ से मैंने वीडियो सेलेक्ट किया। ओके। अब इसको मैं ऐसा कर दिया। ओके। और मैं इसको यहाँ पे देखो स्टैंड नहीं यूज कर रहा हूँ मैं कोई भी। ओके। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे रख दिया। ओके। एक सेकंड सर, ना ऐसे रख दिया मैंने। ठीक है। ओके। तो हाय गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आप सबको दिखाने वाले हैं कि आईफोन 7 को हम चार्जिंग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें और आप देख पाएंगे कि मैं किस तरह से आईफोन 7 को चार्जिंग कनेक्ट किया है। ओके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, फिर ये हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से मैं वीडियो को पॉज कर दूंगा। ठीक है। ओके। ये फोन को ऐसे उठा लूंगा यहाँ से। ठीक है ना। तो सर आपको कैसे पता चलेगा वो एग्जैक्ट फ्रेम था जहाँ पर आपने मोबाइल रखा है? ये कई बार ऐसा भी होता है कि फ्रेम में होता है, कई बार नहीं भी होता है, तो ऐसे भी होता है कभी कभी प्रॉपर होता है, कभी एक बार वापस ट्राई करना पड़ता है मुझे। मगर ये तो इस टाइम पे मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल परफेक्ट फ्रेम रखा है आपने। एक्सपीरियंस हो गया है थोड़ा सा काम करने का। बहुत बढ़िया है सर, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद दूसरा टैग हम ऐसे ले लेंगे, यहाँ से इसको वापस बैक करेंगे, और ये देखो मैंने फिर से इसको वीडियो पे क्लिक किया। ओके, है ना। आप एक सेकंड से ना। ओके, ये देखिए वीडियो चालू हो गया हमारा। हाँ जी। फिर वहां से मैं इसे यहाँ पे कुछ ऐसे रख देता हूँ। ओके? ओके। फिर ये है मेरे पास, ये देखिए ऐसे। ये देखिए सर। ओके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यही चीजें तो आज मुझे यहाँ पर खींच कर लेकर आई हैं कि भाई मैं भी तो चलकर देखूं कि आप किस तरह से क्या काम करते हैं। थैंक यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। और इसके आगे सर, फिर इसके आगे सर देखिए ये फोन हमारा ऑन हो गया, चार्जिंग हो गया। ठीक है। बिल्कुल सर। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। ओके। ठीक है, इसे साइड में हमने रख दिया, और यहाँ पे हमने इसे ऐसे रख देना है। ओके। फिर इसको हम वीडियो को पॉज करेंगे। ओके। ओके। फिर यहाँ से हम बैक जाएंगे, और हमारे पास यहाँ पे ये देखिए हमारे फ़ोन में है काइन मास्टर। ठीक है।
बिल्कुल सर, ये प्रीमियम वाला काइन मास्टर मैं यूज़ करता हूँ। ओके, इसमें कोई वाटर मार्क नहीं है। और इसके अलावा मैं वीएन से भी ज़्यादातर एडिटिंग करता हूँ। फिर यहाँ से हमने देखे यूट्यूब का फ्रेम है ये, यहाँ से यूट्यूब के लिए अगर वीडियो शूट कर रहा है तो यूट्यूब का फ्रेम, यहाँ से ये कर दिया हमने, यहाँ से हमने ये किया। और अब हमने क्या करना है, ये दोनों को ले लेना है, ठीक है। ये देखिए ऐसे और ऐसे, है ना। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम इसको एडिटिंग पे लगा देंगे। फिर ये जो एक्स्ट्रा, मतलब मैंने ये किया था ना, हाँ, कुछ सेकंड पहले वीडियो ऑन किया था जी। अब ये देखो इसमें क्या दिक्कत है, हाँ ये घूम गया है, तो इसे हम क्या करेंगे, रोटेट कर लेंगे, है ना। ऐसे हो गया, अब देखिए ये आ गया। तो यहाँ से हमें इतना एक्स्ट्रा है, इसको देखो ऐसे कटिंग कर देना है हमें, ठीक। ये देखिए, फिर उसके बाद में यहाँ से हमें, हाँ यहाँ से हमारी लाइन ख़त्म हो गई है ना जी। तो हम यहाँ से फिर ये सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसे हम इतना रिमूव कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद, हाँ असल मेहनत यही रहती है मेरी। बिल्कुल सर, मैं देख रहा हूँ बहुत मुश्किल काम है ये तो, मतलब अगर मैं भी करने बैठूँगा तो मेरे लिए भी मुश्किल है। और मैं आपको देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि यार मैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं है आपको देखते हुए, तो आप जब इतने ईजी तरीके से कर रहे हैं। थैंक यू सर। और ये ज़्यादा बड़ा, जैसे कभी कभी क्या होता है कोई फ़ोन ज़्यादा टाइम लगाता है ओपन होने में जी, तो उसको हम यहाँ से थोड़ा सा ऐसा कट कर देते हैं दोनों साइड से, ताकि जल्दी दिखे वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो होता नहीं लोगों के पास। ये देखिए ऑन हो गया, बहुत अच्छा, हमारी एक वीडियो बन गई, बहुत अच्छा है। तो सर जैसे कि मैं आपके ये सेटअप पे देख पा रहा हूँ, जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ये आपने कुछ ये इधर पर्दे वगैरह भी लगाए हुए हैं। और एक चीज़ बताइए, सारा दिन आप क्या चेयर पे बैठे बैठे थकते नहीं हैं सर? सर थकता हूँ कभी कभी, क्योंकि रीढ़ की जो हड्डी है मेरी वो भी ख़राब है पूरी तरह से। ओके, तो जैसे कि कुछ घंटे के बाद है ना, मुझे ये मेरा पैर नीचे करना होता है, फिर ऊपर करना होता है। ओके, तो उसके लिए दो छोटे भाई हैं या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं जो मतलब बोलते हैं सर मुझे काम सिखा दो जी जी, तो उनको मैं फ्री में अपने पास रखता हूँ, पैसे भी नहीं लेता हूँ, क्योंकि उससे मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाती है। ओके, और उनकी भी हेल्प हो जाती है। बिल्कुल। और फिर यहाँ पे जो पर्दे वगैरह लगे हैं, इसके पीछे मैंने एक बेड रखा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ जी, अपने ऑडियंस को आप दिखाइए। बिल्कुल सर। और ये दिखाने का मतलब यही है कि मतलब लोग देखें कैसे हम जी रहे हैं यहाँ जिंदगी। बिल्कुल सर। और किसके पास क्या है, किसके पास क्या नहीं है। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों के पास एक्सक्यूजेस रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो देखो जिंदगी में जैसे भी अल्लाह ने आपको बनाया है ना, अपनी जिंदगी को इंजॉय करो, जिंदगी को हंस के एक्सेप्ट करो। जिंदगी में ये चीज़ नहीं है, ना शुक्री नहीं करना चाहिए कभी भी। बिल्कुल। जैसे भी हालात हैं, और आप खुद अपने आप को कमज़ोर समझोगे तो लोग आपको कैसे मजबूत समझेंगे। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे जो है ये सब पूरा इंतज़ाम करके रखा है, पूरा सेटअप किया हुआ है। और ये वीडियो जो मैं शूट करता हूँ ज़्यादातर भाई लोग करते हैं, लेकिन अभी कैसा है कभी कोई नहीं रहा, तो मैं ये नहीं बोल सकता ना कि यार बहुत अच्छा मौका था वीडियो शूट करने का और बहुत अच्छा कंटेंट भी था, लेकिन मेरे पास कोई था नहीं जी, तो ये एक एक्सक्यूजेस हो जाएगा। वो वीडियो मैं बनाऊंगा, हो सकता है मेरे भाई रहे तो वो 10 मिनट में बन जाए, और मैं रहूं तो हो सकता है आधे घंटे में बनेगा, लेकिन बनेगा ज़रूर। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, तो मैं एक्सक्यूजेस नहीं देना सीखा अपनी लाइफ में। बिल्कुल। तो यहाँ पे बैठे वहाँ पे मैं थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेता हूँ, 10-15 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा, फिर उसके बाद उठ के फिर ये चेयर पे बैठता हूँ, फिर काम करता हूँ, फिर वो वाली भी चेयर है तो उस पे भी बैठ जाता हूँ कभी कभी। तो इस तरह से मतलब मेरा हो जाता है काम। तो आपकी इजाज़त है, देख सकते हैं हम? बिल्कुल सर, बिल्कुल इजाज़त है। तो चलिए भाई देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे जैसे सर थक जाते हैं तो फिर सर क्या करते हैं, आराम से यहाँ पर आराम कर सकते हैं। ये एक बेड डाला हुआ है, बहुत अच्छा है। और भाई देखो यहाँ पे मेरा बैग भी रखा हुआ है, और जो सर ने अभी जिक्र करा छोटे भाई का, तो वो दो भाई यहाँ पर हैं, बहुत अच्छा है सर। तो भाई उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखकर आपको मज़ा आया होगा, मज़े के साथ साथ कहने के मतलब में मोटिवेशन मिली होगी। जो भाई हमारे कुछ करने के लिए सोच रहे हैं नहीं कर पा रहे, तो भाई उनके लिए ज़बरदस्त मौका है, तो इस मौके को मत जाने दो, क्योंकि जब भाई हमारे इतनी मुश्किल से काम कर रहे हैं तो यार हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे पास ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है, सब कुछ कर सकते हैं। इनसे तो इतना बड़ा मोटिवेशन देखने के लिए मुझे मिलता है कि भाई जो चीज़ अगर आप सोच रहे हैं कि यार मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, शर्म आ रहे हैं किसी भी चीज़ करने के लिए, तो भाई देखो उस शर्म को थोड़े देर के लिए इधर उधर रख दो। सर की तरह जैसे आज सर, और सर की अगर मैं बात बताऊं, सर से पूछा था, सर मुंबई में और सर गए थे दिल्ली काम सीखने के लिए, मतलब इंस्टीट्यूट गए थे। सोचो मुंबई से दिल्ली तक का कितना बड़ा सफ़र है, उसके बाद भी अपडेट होने के बाद देखो यहाँ पर आज काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। थैंक यू सर। वेलकम सर। हमें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई मिलकर। और ये वीडियो बनाने का देखिए गाइज एक ही मकसद है
कि जिंदगी में कभी भी हार मत मानो। कई बार जिंदगी हमारे साथ ऐसे होता है ना जिंदगी में कि कुछ समझ में नहीं आता है क्या करें कहाँ जाएं, तो अपने आप को कमज़ोर मत समझो, मजबूत बनाओ। बहुत सारे लोग हैं देखो व्हीलचेयर की ज़िंदगी को सोचते हैं मेरी ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट है, बट मैं समझता हूँ व्हीलचेयर की ज़िंदगी बहुत ईजी है। बस आपका नज़रिया अच्छा होना चाहिए, आपके अखलाक अच्छे होने चाहिए, आप जहाँ भी रहते हो वहाँ लोगों में अच्छी बातें करना सीखो, कोई अगर ऐसा इंसान है तो आप उनकी हेल्प करें। और यूट्यूबर बनना इस ज़माने में कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप परेशान इसीलिए रहते हैं कि महंगा फ़ोन नहीं है मेरे पास, ढंग का कपड़ा नहीं है। जो आपके पास है उससे आप शुरुआत करें। और बहुत सारे लोगों के ये भी सवाल रहते हैं मैं इंग्लिश अच्छा नहीं बोल पाता हूँ, हिंदी नहीं बोल पाता हूँ, जो आपकी लैंग्वेज है वो आप बोलिए, क्योंकि आपके सिटी के लोग ही आपके लिए काफ़ी हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा ये जो संदेश है बहुत अच्छा दिया आपने। जी सर, कुछ बताएंगे सर और आगे? जी बताएं। इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ आज के समीर सर मुझसे मिलने आए, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे होता है ना, मतलब मैं दिल्ली गया था इंस्टीट्यूट में काम सीखने के लिए, तो मुझे वहाँ से ना एक सर्टिफिकेट मिला है, मेरे पास है यहाँ पे, अभी हमको दिखाएंगे हम आपको, वो एक अचीवमेंट था मेरे लिए, मैंने कुछ चीज़ों को अचीव किया है। तो ये सर भी हमारे लिए एक अचीवमेंट ही है, इनको हमने अचीव किया है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम बहुत खुश नसीब हैं कि सर हमारे पास आए हैं मिलने के लिए। जो कि इसमें ना ही मैंने इनको बुलाया है ना कुछ भी, बस एक मोहब्बत, एक प्यार। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि आइए मेरे पास सर, तो सर के पास टाइम नहीं रहता था। आप लोग तो सर के सब्सक्राइबर हैं, आप सबको पता होगा सर की लाइफ कितनी बिजी है, लेकिन फिर भी इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार इनको सलामत रखे, खुश रखे। सर की दिल्ली ख्वाहिश थी कि मैं इनके सर पे हाथ रख के दुआ करूँ, तो बिल्कुल मेरी दुआ है इनके साथ, अल्लाह पाक इनको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे, इनके वालदैन को सलामत रखे, इनके बच्चों को रखे। और आप सब भी, आपके साथ अगर कोई भी इंसान, दुनिया देखो कोई भी किसी के लिए कुछ भी बोले, जब इंसान को एक फेम मिलता है, जब वो एक सेलिब्रिटी बनता है ना, तो उसके हेटर बहुत होते हैं। तो आपको बिल्कुल नहीं चलना है, ये दुनिया है, लोगों का काम है कहना, लोग कुछ भी कहते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की करें, उरूज पे रहें, मज़े करें। जो इंसान आपके साथ जैसा कर रहा है उसको आप उस तरह से बोलिए। बाकी दुनिया है देखो, यहाँ कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर इंसान अधूरा है, कोई किसी के बिना, कोई किसी के बिना, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मेरा यही राय है कि अगर आप डिसेबल है मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने आप को डिसेबल ना समझिए, बल्कि अपने आप को एक मजबूत इंसान बनाएं। ये देखें कि आप डिसेबल होने के बाद क्या कर सकते हैं और कितना ज़्यादा आप डिसेबल हैं, आपके अंदर क्या वजनाई है, कितना वजन आप उठा सकते हो, उतना धीरे धीरे कोशिश करिए। क्योंकि हमने भी एक कीपैड फ़ोन से शुरुआत किया था और आज हमारे पास देखिए आईफोन भी रिपेयरिंग के लिए आता है। बिल्कुल, बहुत कुछ बिल्कुल। हम रिपेयर करते हैं बहुत अच्छा। और एक यूट्यूब चैनल है मेरा, वो चैनल भी मैं चला रहा हूँ, इंस्टा का पेज है, फेसबुक है, ये सब मैं अकेले मैनेज कर रहा हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात, प्राउड की बात ये है कि एक डिसेबल इंसान के लिए ज़िंदगी में ना ये सब कुछ भी जल्दी होता नहीं है, लेकिन मैंने ये सब कुछ किया इसलिए कि मैं मेरे माँ बाप को कभी ये महसूस ना होने दूँ कि उनका बेटा एक डिसेबल है। क्योंकि उन्होंने मेरी परवरिश में ना कोई कमी नहीं रखी है, उन्होंने इस तरह मेरी परवरिश की है सर, इतना मेरा ख्याल रखा है कि मतलब कभी मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मैं डिसेबल हूँ। तो इसलिए मैं अपने माँ बाप को भी कभी ये चीज़ फील नहीं होने देता हूँ। आपके भी माँ बाप हैं तो उनका ख्याल करो, उनसे कदर करो और ज़िंदगी में अच्छे दोस्त बनाओ और कुछ मत बनाओ। तो चलिए गाइज, आज तो भाई बहुत मज़ा आया, सर ने हमें काम करके दिखाया, बहुत बढ़िया बढ़िया काम करके दिखाया, मैंने लाइव देखा किस तरह से सर क्या काम करते हैं, किस तरह से, ये तो एडिटिंग है, एडिटिंग के अलावा भी भाई मैंने बहुत सारा काम करवाया इनसे, आईसी कैसे उतारते हैं, आईसी लगाते कैसे, चार्जिंग कनेक्टर कैसे चेंज करते हैं, बैटरी चेंज कैसे चेंज करते हैं आईफोन वगैरह में, आईफोन चेंज तो छोड़ो, आईफोन को ओपन कैसे करते हैं यार, एक स्क्रू खोलना यार, हमारे नॉर्मल हाथ है, इतने ऊपर वाले ने दिए हम तब नहीं खोल पाते, सर इतने प्यार से उस स्क्रू को खोल ले रहे हैं कि बस सोच नहीं सकते आप। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, वेलकम सर। हमें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई आप आए। तो चलिए गाइज, मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, आने वाले टाइम में नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेंगी। और सर को जरूर सपोर्ट करें, सर का पूरा एड्रेस तो आपको पता चल ही गया है किस जगह पर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिए आप सब अपना और सर को सपोर्ट करते रहिए, ठीक है, चैनल पे हमेशा एक्टिव रहिए। जो भी आप सबके रिक्वायर हैं, देखो एक यूट्यूबर का ड्रीम क्या होता है, आप अपने कमेंट में ना अपने राय बताया करें कि मुझे किस टाइप का वीडियो चाहिए, आप लोग जिस टाइप का वीडियो चाहिए सर से आप बताया करें, आपको क्या क्वालिटी चाहिए, क्या कंटेंट चाहिए, सब आपको बनाएंगे, सब आपको दिखाएंगे, आप तक पहुँचाएंगे, बस आप लोग खाली सपोर्ट करें। ओके गाइज, चलो मिलते हैं, बाय बाय।